हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंतिम यात्रा के लिए निकले हैं अरुण जेटली। अब उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान से यात्रा तय कर पहुंच गया है बीजेपी मुख्यालय। वहां पर तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो पहले से मौजूद हैं, परिवार के लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी संगीता जेटली, उनकी बेटी और साथ ही उनके पुत्र रोहन जेटली भी यहां पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अरुण जेटली को अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी और अब एक एक कर पहले उनकी पत्नी और बेटी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके बेटे रोहन जेटली यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके बाद अब तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता जो दूर दराज से अरुण जेटली के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वो एक एक कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी एक क्षति, लगातार हम कल से बात कर रहे हैं कि ये क्षति जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। तमाम गणमान्य लोग और तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो लोग जो उनके चाहने वाले हैं, जिनके वो चाहने वाले थे, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। अमित शाह को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और अमित शाह का जिक्र मैं फिनाज यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ, कल आपने देखा होगा कि कितनी देर तक वो उनके परिवार के साथ वक्त बिताते नजर आए। जाहिर सी बात है, जब अमित शाह गुजरात में थे और तमाम तरह के राजनीतिक, तमाम तरह के उनके साथ कानूनी मुश्किलें आई थी, तो अगर कोई शख्स न सिर्फ बतौर दोस्त बल्कि बतौर वकील भी उनके साथ खड़ा रहा था, तो बल्कि जेल में भी थे। और जिस तरह से अरुण जेटली ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के नेता, दिल्ली की राजनीति में लाना था, यानी कि केंद्र की राजनीति में लाना था, तो उसके लिए अगर किसी ने बहुत मुखर तौर पर वकालत की, पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी माहौल बनाने का काम किया, तो वो अरुण जेटली ही थे। और जब ये लोग दिल्ली आ गए तो दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि वो पहले, इनसे पहले केंद्र की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके थे, तो दिल्ली के तमाम जो दावपेच है वो बखूबी समझते थे, तो उन्होंने उससे भी इंट्रोड्यूस कराने में एक अहम भूमिका निभाई। और इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि एक राजनीतिक, एक वरिष्ठ नेता, एक कुशल वक्ता, उन्होंने कहा मेरा दोस्त चला गया, दोस्ती का फर्ज निभाया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि व्यक्तिगत एक जुड़ाव, एक बात हर कोई यहाँ पर करता नजर आ रहा है। यही चीज जेटली जी ये कहते भी थे कि यही चीज मैंने कमाई है। लेकिन वो जो जेल का मैं जिक्र कर रही थी बनाज यहाँ पर, कि जब वो जेल में रहे, एकमात्र अरुण जेटली ही थे जो उनसे मिलने जेल में गए, एकमात्र अरुण जेटली ही थे जब तड़ी पार उनको कर दिया गया, जब दिल्ली यहाँ पर वो आए, तब उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पूरा वो एक अलग ही, मतलब एक आत्मीय जुड़ा जो हर किसी से फील किया, अनुभव किया, वो इस चीज को बताते भी हैं यहाँ पर। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं।